प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ खुदावंत की पाक प्रेजेंस में। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरे प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सुरक्षित है, चंगे भले हैं। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है गर्मियों में उपवास में क्या खाएं क्या पिएं। हालेलुया। बहुत सारे मसीह भाई बहन हमें कमेंट्स करते हैं, हमें फ़ोन करते हैं कि हमें बताइए क्या गर्मियां हैं और गर्मियों में उपवास हमारा कैसा होना चाहिए। प्रिय भाई बहनों, हम वचन में से जानें कि वचन हमें क्या कहता है कि उपवास में आपने क्या खाना है क्या पीना है। उससे पहले आप सभी से मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हों तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जो नीचे रेड वाला बटन है इसे ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल पर प्रिय भाई बहनों इस चैनल के माध्यम के द्वारा मैं ये बताने की कोशिश करूँगी, जो नए मसीह लोग हैं जिन्हें प्रार्थना करने नहीं आती, उपवास रखने नहीं आते और कौन से वचन कैसे बोलने हैं, ये सब मैं इस वीडियो के माध्यम के द्वारा या चैनल के द्वारा आपको बताने की कोशिश करूँगी प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ आगे शेयर जरूर करें। ये एक मसीह परिवार का चैनल है और मसीह परिवार को हमें मिलकर रहना और एक दूसरे की जो प्रॉब्लम है उसे सुनना है और उसका हल निकालना है वचन के बीच में। हालेलुया। तो आइए हम आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। मेरा विश्वास है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो आइए हम आज की वीडियो की ओर चलते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है गर्मियों में उपवास में क्या खाना क्या पीना चाहिए, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं और गर्मियों में उपवास करना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि दिन थोड़े लंबे होते हैं और लंबे होने के कारण गर्मी भी है और प्यास भी लगती है। तो अब ये आता है कि उपवास में क्या खाएं क्या पिए। हालेलुया। तो आइए हम वचन की ओर से जानते हैं वचन क्या कहता है। प्रिय भाई बहनों, हम एस्तर की पुस्तक में देखते तो वहाँ एस्तर ने 3 दिन और 3 रात की फास्टिंग की और उसमें उसने कुछ ना पिया कुछ ना खाया। हालेलुया। दानियल की ओर हम देखते हैं तो दानियल 10 दिन की उपवास किए, वहाँ उसने साग पत खाया पानी पिया। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, इसी प्रकार नए नए में भी उपवास है, जहाँ कुछ चेले कुछ खाते थे कुछ पीते थे, कुछ कुछ भी नहीं खाते कुछ भी नहीं पीते थे, ऐसा उपवास है। मतलब उपवास में पूरी तरह आपको ये नहीं बताया गया कि आप पूरा सब कुछ छोड़ दें। प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात कुछ नहीं खाया कुछ नहीं पिया। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे परमेश्वर थे और परमेश्वर तो परमेश्वर ही है ना, हम परमेश्वर की तरह नहीं बन सकते, कोशिश कर सकते हैं पर हम नहीं बन सकते। हालेलुया। तो इसलिए उन्होंने दिन रात के रखे 40 दिन और 40 रात के। अब हम संसार में भी आए, हमारे बाल बच्चे भी आए, हमारा परिवार भी है और हम काम पर भी जाते हैं, तो हमारे लिए जो सब कठिन हो जाता है 40 दिन और 40 रात के। अगर आप सेवादार हो, आप पास्टर की आपकी कॉलिंग है, तो फिर आपको ऐसे उपवास रखने पड़ते हैं, क्योंकि आपकी सेवा है और सेवा में ऐसे उपवास रखने पड़ते हैं बड़ा फल प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। अगर आप विश्वासी हैं, बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, तो अगर आप घरेलू हैं, मतलब घर में रहने वाली हाउस वाइफ है या काम करने वाले, तो आपके लिए इजीली जो उपवास है वो मैं आपको बताऊंगी कि उसमें आपको क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए। तो प्रिय भाई बहनों, दानियल ने साग पत खाया पानी पिया, तो आपको भी प्रभु ज़्यादा आपके ऊपर इतना नहीं थोपता कि आपने अपने शरीर को ज़्यादा तंगी देनी है। आपने अपने अनुसार देखना कि आप कैसा बलिदान प्रभु को देते हो। प्रभु ने कहा जब तू उपवास रखे तो बड़ी दीनता के साथ बड़ी नम्रता के साथ उस उपवास को रखना है। अपने आप को साबित करना प्रभु के आगे, दीन करना है प्रभु के आगे, नम्र करना प्रभु के आगे। बड़ा फल प्राप्त करना तो नम्र और दीन होना पड़ेगा, तभी आपको बड़ा फल प्राप्त होगा। ये कि नहीं भूखा रहने से आपको बल प्राप्त, ये फल प्राप्त होएगा। आप पानी ले सकते हैं, आप चाय ले सकते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं, गर्मियाँ है। अगर नए विश्वासी तो आपको छूट है, पानी ले सकते हो 2-3 बार ले सकते हो। अगर आप पुराने हो तो आप थोड़ा कट ऑफ कर सकते हो, पानी ले सकते हो, चाय ले सकते हो, 1-2 बार चाय ले सकते हो, ये आपको छूट है। अगर आप पास्टर की कॉलिंग में, तो फिर आपको पता है पास्टर की कितनी हार्ड वर्किंग होती है, क्योंकि उसने सेवा में जाना होता है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी, तो उसके लिए उपवास कुछ अलग से होते हैं। हालेलुया। तो आप जब उपवास कर रहे हैं तो आप पानी पी सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, आप चाय भी ले सकते हैं, दूध भी ले सकते, मतलब
कोई भी लिक्विड है ना वो आप ले सकते हो, पर उतने हिसाब से जितना आपका शरीर आपको इजाज़त दे। आप इतना कि आप रज रज के पी लो कि गर्मी बहुत है ऐसा वैसा चाय पी लो, फिर अब आपको बाद में तंगी होगी, आपको परेशानी होगी। हालेलुया। तो इतनी आप छूटे, आप ये कुछ कर सकते हो। मेरा विश्वास है कि आज के जो वचन के द्वारा आपको बताया गया कि एस्तर ने कैसे रखे, क्योंकि एस्तर की परिस्थितियाँ कुछ और थी। एस्तर सबके लिए सोच रही थी, सब अपने यहूदी कौम के लिए वो रख रही थी। तो उसका बड़ा बलिदान था। बड़ा फल चाहिए तो बड़ा बलिदान चाहिए। अगर आप अपने जीवन में बड़ा फल चाहते हो तो बड़ा बलिदान आपको देना पड़ेगा। आपकी समस्या के अकॉर्डिंग ये सब होता है। अगर परमेश्वर के साथ नाता आप जोड़ना चाहते हो, प्रभु के साथ एक रिश्ता बनाना चाहते हो, तो आपका जैसा बलिदान वैसा भी आपको फल मिलेगा। हालेलुया। प्रभु इन वचन के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। और मेरा विश्वास है कि आप इस चैनल पर बने हुए हैं और आपको चैनल के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सबको मेरी तरफ से जय।